नेशनल असैसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल है बैंगलोर की इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है उसके 70% जो है दैट इज़ द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन असैसमेंट करते हैं दैट इज़ क्वानटीटेटिव क्वालिटेटिव जो 30% होंगी टीम विजिट करती टीम विजिट करके फिर वेरीफाई करती है 30% वो होंगी है ऑटोनमस बॉडी कम्युनिटी है कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता इन असैसमेंट जी है दैट इज़ फॉर ऑल यूनिवर्सिटी ऑल कॉलेज इन द कंट्री ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट मीडिया करनी मजबूरी होंगी है सारी फंडस टैग्ड होंगे है जिन्हें एक्रेडिटेशन नहीं होगी फैडरल फंडिंग तुम नहीं लै सकते सो इस करके साडा फोर्थ साइकिल तीन साइकिल पहला करा चुके से पिछले साइकिल साडा स्कोर 3.51 सीगा उदों भी असी ए प्लस प्लस सीगे पर असी ऐतकी साडा स्कोर है 3.85 जिहड़ा एस प्रेजेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटियां स्टेट यूनिवर्सिटियां प्राइवेट यूनिवर्सिटियां सारे ज़्यादा है सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है डीम टू यूनिवर्सिटी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 3.89 है टेक्निकली असं हिंदुस्तान नंबर 2 अमंग ऑल इंस्टीट्यूशन है सर एक उन्हें थोड़ी देर पहले ही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ट्रॉफी फेयर जी है रिपीटेडली आप लैके आए हैं एक वड्डा बहुत वड्डा फंक्शन उसके वास्ते किया गया हूँ एक बहुत वड्डा मुकाम जिहड़ा इट्स द फर्स्ट टाइम एवर फॉर अमृतसर के जी एंड यू ने यह मुकाम हासिल किया है सर किस तरह जिहड़ा की क्राइटेरिया की रहे थे की थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया सात क्राइटेरिया होंगे ने डिफरेंट क्राइटेरिया असैसमेंट होंगी है जिसके टीचिंग लर्निंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है रिसर्च भी है गवर्नेंस भी है फाइनैंशियल मैटर्स भी है ये हर के उत्ते एनालिसिस होंदा एनालिसिस करके नंबर लगते हर चीज़ के नंबर लग के फिर काफ़ी ज़्यादा नंबर होंगे फिर ग्रेड पॉइंट एवरेज कन्वर्ट किया जाता चार मैक्सिमम होंगे है साढ़े 3.85 आया उस विच इज़ द प्रॉब्ली द हाईएस्ट कभी लग गए नॉर्थ इंडिया कभी आया भी नहीं आना भी शायद बड़ा मुश्किल है नियर फ्यूचर के दूसरी यूनिवर्सिटी है एरिया तो बिलोंग मुंबई की है जी बारे मेरी अपनी बेटी जाना सी जो बिट्स में उन्हें बिट्स की रैंकिंग है कितने स्टैंड करती है 10 वारी बच्चा वेखता है जे हुण असी इस टाइम तो ए प्लस प्लस 3.85 और 4 पॉइंट स्केल है साढ़े को ऑब्वियसली बेस्ट बच्चे आवगे जो पंजाब के बेस्ट नहीं आवगे ऑल ओवर इंडिया आ गए हूँ भी साढ़े को ऑलमोस्ट 25-30% जो बच्चे ने दे आर नॉट फ्रॉम द स्टेट ऑल ओवर इंडिया कितने दो चार चार बॉम्बे तो कोई दिल्ली तो कोई जम्मू कश्मीर तो कोई हिमाचल तो हरियाणा तो आते हैं पर इन विजिबिलिटी होर वधेगी विजिबिलिटी जो वधेगी तो होर बैटर स्टाफ साढ़े को आएगा सो ए इंप्रूवमेंट ऑफ द टाइम होंगी है इदा ही जो जिदा रिसर्च की गल कर रहे हैं तुम कि एक पैरामीटर रिसर्च होंगे है तो रिसर्च स्कॉलर सू बेस्ट क्यों जो जे आर एफ करता है वी वॉन्ट दैम टू कम क्यों फंडिंग गवर्नमेंट इंडिया दिंदी है तो सानू वास्ते प्रॉब्लम नहीं आती फंडिंग उतों ले आते हैं काम साडा करी जाते हैं हूँ साडा जो मैं ज्वाइन किया अज तो 5 साल पहला तो एच इंडेक्स होंगे इंस्टीट्यूशन का वो 64 सीगा 64 अज 129 है तो जे एक साल डबल तो वध गया टेक्निकली वध गया ए साड़ी असैसमेंट पिछला किन्ने साल पचास साल दिस इज़ अ 53rd ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस गोइंग ऑन सो 48 ईयर समझ लो भी उन्ना होया हुण इहदा कोई ए नहीं है कम कौन करता कम यही फैकल्टी करती है यही रिसर्चर्स करते हैं यही साढ़े बाकी स्टूडेंट्स करते हैं बेसिकली मोटीवेट करने की गल होंगी होर कुछ नहीं होंगे कम करने वाले तो वो नहीं असं तो कम करना सिर्फ डायरेक्शन देने वाले बंदे सर की सीक्रेट की है मतलब इन्ना छोटे जे टेन्योर दे विच मैंने पता कैप्टन अमरिंदर सिंह के टेन्योर दे विच यू हैव कम हेयर है ना ज्वाइन हेयर और UGC तो तुसी आए सी दिल्ली तो है ना तुहानू लैके आए सी तो मेरे ख्याल तुसी उन्होंने कुछ चीज़ा भी कही सी उस वे की सगिया तो उस तो बाद की जो सीक्रेट्स रहे जो कि इतने आप मुकाम तक सीक्रेट कुछ नहीं जी मुहब्बत करनी चाहिए ऑर्गनाइजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए मैं जिन्या भी अज तक रिक्रूटमेंट्स की विदाउट फेल असी प्योरली और मैरिट की ने भाएँ कि मर्जी सरकार आई हो तीन सरकार मैं डील करता है तीन पहले कैप्टन साहब की सरकार ने भी की है तो फिर चन्नी साहब की आई फिर आ तीजी सरकार आई मैरिट पर काम होंगे मैरिट तो बगैर नहीं होंगे मेरा कोई किसी ना ना दुश्मनी ना दोस्ती है सिंपल काम करी दा स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज़ रिकॉर्ड करी दी है जहाँ मर्जी आके वेख सकता सो जे तुम इदा मेरे अपने वास्ते सेम पैरामीटर है मैं जे मैं किसी कोई मेरी बेटी ने कोई काम करना तो वो पे करेगी ये नहीं है कि बाकियों के बच्चे पे कर तो मेरी बेटी ना पे करे सो एक सिंगल पैरामीटर रखे तो लोग आप ही खुश हो जाते हैं लोगों को जो पता लगता कि आप भी उसी पैरामीटर से बैठन रहे लोग ठीक रहते हैं कोई इशू नहीं टीचिंग यूनियनस नॉन टीचिंग यूनियनस इन्हों जे वे इंस्टीट्यूशन खास करके गवर्नमेंट के टैकल करना या हैंडल करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क तो वो फिर सर कि मतलब रहा देखो जी एक कनैक्टिविटी की गल है स्पष्ट गल है कि मैं हर टीचर जो हूँ भी तुम बैठे वेख्या कि टीचर आता मैं कभी बार वेट नहीं कराई
सो मेरा वन टू वन कनैक्ट है। मैं कभी भी नहीं एक इधर रखा कि मैं वाइस चांसलर एक्चुअली पोजिशन नहीं रही जो पहला वाइस चांसलर होंगे सके उन्होंने मिलता नहीं सगा और बड़ी टॉर होंगी सी। अजकल जो वाइस चांसलर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे उन्हें मैनेज करना होंगे। ही हैज़ टू बिहेव लाइक एज अ सीईओ ऑफ अ कॉरपोरेट वर्ल्ड। वो ये नहीं हो सकता कि जिदा मर्जी अकड़ के बैठा रहे। सो जिदा यूनियन साड़ी हैगी टैक्निकली रिडंडेंट हो गई है सारिया टैक् यूनियन जीडिया है उन्होंने जो सब काम ही उन्होंने ठीक हो जाने मैरिट तो होने ने विदाउट फेल विदाउट मैरिट तो होने ने एंड कोई कोई पार्शियलिटी नहीं होनी तो क्यों यूनियन एक्ट करेगी। यूनियन नहीं करेगी ताई सपोर्ट नहीं मिलती ताई स्ट्राइकां नहीं होंगी। वेरी सिंपल गल है कि दैट्स वाई वी आर हूँ सारी यूनिवर्सिटी ऑन दी होल वी हैव बीन फॉर लास्ट फाइव एक्सैप्ट फॉर वन केस जिते इलेक्शन ड्यूटियाँ का कोई प्रॉब्लम पई सी बाकी साडा कोई इशू ही नहीं है। स्टूडेंट्स की इशू आता हूँ हमेशा ही कहने जिदा पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाबी भी आता है। मेरा आफ्टरनून जिहड़ा है ना ईवनिंग जी आफ्टरनून द सैशन है आफ्टरनून सैशन इज मैंट फॉर स्टूडेंट्स। मैं ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स मिलता दो बैचेस में कभी एक कभी दो बैचेस में उन्होंने बैठी था जो बैठी था इनिशियली कोई स्टूडेंट नहीं खुलता फस्ट ईयर बैचेस होंगे नॉट दी सैकंड ईयर ऑलरेडी जानते हैं तो फस्ट ईयर बैठी था उन्होंने गल्ला करी दी उन्होंने जिस पॉइंट पट्टी आया पट्टी की गल कर ली कोई बरनाले की गल कर ली कोई हमीरपुर आया हमीरपुर की गल कर ली 10-15 मिनट स्टूडेंट खुल जाता जो खुल जाता फिर वो तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी डेफिनेशन दसनी शुरू करता कि ये यूनिवर्सिटी आ कमी है मैं आ बेस्ट चाहना। मेरा ओपन है सीधा पूछी दा कि तुम की चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी तुहाडे वास्ते बैटर कर सके सो वो दसदा है मैनू। फिर मेरा एड्रेसल सिस्टम यह रखा कि असर इमीजिएट एड्रेसल करी दी नहीं कि मैं सुन लिया तो मैं इट इज़ अ मेयर फॉरमैलिटी। सो आई कॉल द कंसर्न जो भी ऑफिसर्स है भी तुम आ मैंने स्टूडेंट ने किया अच्छ होस्टल आ कमी रह गई है इनू अच्छ शाम तीन रिपोर्ट बैक करो करके एंड आई मतलब रिपोर्ट बैक होंगे दैट इज़ वॉट स्टूडेंट्स एप्रीशिएट। दूजा आई डोंट यूज़ द कार इन द कैंपस। ये मेरा बेसिक रूल है कि जो तुम कार चढ़ के आना जो अद्धा किलोमीटर नहीं तुर सकते रब ने गोडे कहूँ दिते तो लत्त क्यों दी फिर तुरे फ्री दा बच्चे सूँ राज मिल जाते वो राज मिलते मिलते 4-5 प्रॉब्लम्स दस जाते सो इमीजिएट एड्रेसल हो जाती है। तीजा एक साडा ब्लाइंड मैथड हैगा स्टूडेंट studentgnu@gmail.com एक हैगी है उत्थे कोई भी बच्चा मैसेज भेज सकता अपनी ईमेल कर सकता उद मैं ईमेल कड के हूँ डर बच्चों ने यह होंगे कि मेरे टीचर मेरे अगेंस्ट ना हो जाए ये बड़ा कॉमन फिनोमिनन है। मैं मिडिल कॉलेज सानू भी डर हों सो मैं वह कभी भी मेल नहीं फॉरवर्ड करता अगर मैं ऑपरेशनल पोर्शन हाथ ना लिख के भेजता उस बच्चे का ना नहीं आता। सो सपोजिंग किसी के कमरे के आ खामी है जिस टीचिंग प्रॉब्लम हैगी माड़ा जहाँ सुजैसट करे तो हर बंदा चंगा होंगे हर बंदा इंप्रूव करना चाहता है अपना ठीक हो जाता है। ये कनैक्ट है कनैक्ट के नाल सब कुछ ठीक होंगे। सर एज ए ऑर्थोपेडिशन तुसी ऑर्थोपेडिक्स कीती एज ए डॉक्टर तुसी चाहते तो ऑर्थोपेडिक्स अजकल बहुत डिमांड है क्योंकि हर एक बंदे दे गिट्टे गोडे जिहड़े ओह खराब होए पे ते ओह तुसी छड्ड के एकेडमिक्स च आ गए सैकटरी बने फिर वीसी बन गए फिर मतलब एक ही जिहड़ी तांग सीगी जिहड़ी मतलब तुहानू इत्थे लैके सर कितना पैसा चाहिदा हुंदा जी खाणा तो उन्ना कुछ ही हुंदा कितना मर्जी इकट्ठा करी जाओ ते इन्ना ही है बस शौक सीगा कि एक सिस्टम नूं इंप्रूव कीता जाए। देखो इस यूनिवर्सिटी जो अज 3.85 ते आई है ना ये सिस्टम इंप्रूवमेंट है मेरी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है सिस्टम इंप्रूव हो गया अज तुसी कोई भी बंदा जिहड़ा हैगा सिस्टम चलन लग पिया ये असी मार क्यों खाने। देखो आई वॉज सैकटरी ऑफ द सैकटरी जनरल एशियन फैडरेशन का सैकटरी जनरल सीगा वाइस प्रेजिडेंट कल तक सी कल मैं वाइस प्रेजिडेंटशिप छड्डी है तो एशियन फैडरेशन की मैं दुनिया सारी घूमी है कोई फर्क नहीं है। वियाना यूनिवर्सिटी में भी जो लोग यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट विजिटिंग प्रोफेसर गया कुछ बंदे चंगे कुछ माड़े उत्थे भी इदा ही चलता पर सिस्टम सैट होया हो साडे इत्थे हिंदुस्तान दे भी नी जर्क ऑपरेशन ने सिस्टम सैट नहीं है। सो मैं यूनिवर्सिटी से सिस्टम सैट किया हूँ मेरी फंडिंग सारे घट है आउट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। मैं फिर कि 4th-7th पे कमीशन दे दी बाकी ने क्यों नहीं दे सके उन्होंने की प्रॉब्लम नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम ने बेसिकली है कि लीकेजेस बंद करो सिस्टम इन प्लेस रखो प्रोपराइटी लियाओ ऑनेस्टी लियाओ ताड़े आप ही यूनिवर्सिटी सर्वाइव कर जाती है। मैं कोई स्पेशल काम तो कोई नहीं किया सिर्फ एक ये है कि ऑनेस्टी ने काम किया दैट इज़ ऑल वट एब्सोल्युटली जी हुण ओह गल्लां नहीं रहीयां कि जिहड़ा जिहड़ा वाइस चांसलर है कि उहनूं तुसीं मिले ना कोई उहनूं उहदी अकड़ होवे उहनूं लोकी जनाब कही जाण। मैं मैनूं कोई वर्दी कहिंदा मैं हर तां रोकदा वर्दी वर्दी वाइस चांसलर नहीं वर्दी तां उदों होएगा जदों मैं नौकरी छड्ड दूं फिर तैनूं वर्दी कह दूं फिर गल आ नहीं टर्म बड़ियां पुरानियां ने जी अजकल तां वाइस चांसलर हुंदा एंड बेसिकली फाइनैंशियल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाइस चांसलर जॉब। ये हुण लोअर स्टाफ जिहड़ा हैगा उह तां ही कम करेगा जे वाइस चांसलर आप ऑनेस्ट होएगा नहीं तो नहीं करेगा। सर ये मैं लगता है कि प्लेसमेंट का बहुत फर्क है क्योंकि जड़े भी यूनिवर्सिटी जैसे थापर है या कोई होर है उतो कोई भी ग्रेजुएट हों तो पहले उन्होंने जॉब की प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ यार ही इज फ्रॉम थापर उन्होंने पहले देखा जाए या उन्होंने रखा जाए प्लेस किया जाए
लेकिन लगता हूँ जिहड़ा जिहड़ा सानूं जिहड़े रैंक मिलिया उहदे नाल बच्चे की प्लेसमेंट च बहुत ज़्यादा फर्क पएगा। सर दोनों च फर्क पएगा, एडमिशन भी फर्क पएगा। देखो आई आई टी दे विच हुण मैं दिल्ली जो रहा तो मैं ऑलमोस्ट एक साल आई आई टी दिल्ली के लागे मेरा घर सीगा उत्थे स्टेट दे ये नहीं गल कि उत्थे बड़ी ज़्यादा टीचिंग अच्छी आ रही, स्टाफ फॉर द स्टूडेंट्स इज फार बैटर बिकॉज दे आर मोर कमिटेड टू एजुकेशन। सो जो जो थले तुरे आने थोड़ी सी कमिटमेंट कटी जाती है। सो वट वी बेसिकली डिजायर इज कि एक तो एडमिशन के कंपीटिशन आन के बच्चे बैटर आवे, हूँ तो जो विजिबिलिटी बढ़ेगी। हूँ देखो अज 3.85 हिंदुस्तान के हर बंद मैंने घट तो घट 3-4 हज़ार फोन आ गए ऑल ओवर इंडिया, वो भी इस तरह सैकटरी सारी दुनिया जाने की फोन करी जाते हैं, तो उन्हें सबन पता लगे कि इतने आ रैंक है तो आ सारी सिचुएशन है। सो ऑबवियस दे वुड लाइक टू सेंड द चिल्ड्रन हीयर, सो बैटर स्टफ आएगा, बैटर आएगा। दूजा ऑबवियसली प्लेसमेंट्स का बहुत फर्क पैंदा जी, अज भी प्लेसमेंट का मेला पंजाब सरकार ने इतने लाया सीगा ते उन्होंने मतलब वो साड़ी जदों एकदम रैंक वध्या एकदम बच्चों की रिक्रूटमेंट वधी। हाले देखो जे हो 5-4 महीने बाद होर बैटर होएगी, ये हमेशा ही होंगे कि रैंकिंग के हिसाब नहीं होंगी, बिट्स हूँ कि आया जो आई आई टी क्यों क्यों रिक्रूटमेंट ज्यादा क्योंकि हायर रैंक जो असं उस रैंक पर पहुँचा सा उस हिसाब हो ही। सर इतने बेसिकली जी विडंबना यही है कि बच्चा ग्रैजुएशन या पोस्ट ग्रैजुएशन करने तो बाद बच्चे शायद बाहर जा रहे हैं, है ना, तो उन्होंने इतने वो कहें जी असें मेहनत असी उन्नी करनी है तो सूँ इतने डॉलर से जी कमाई होनी है, इतने जो रुपीज़ है 10-15 हज़ार रुपया लैके असं की करांगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इसे यही वधेगा, यही वधेगा। जिदा हुण साडी एवरेज जिहड़ी साडी सी टी सी है वधी हुई है, एक दिन च ही वध गई है, कितने कितने मतलब 3-3 लाख रुपये अज अज ही वध गई है। सो ये इदा ही वधदा है, ये रैंकिंग देखो एवोल्यूशन देखो असी सिर्फ 53 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, जिते हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज देख दो 100-150, 200-300, 400 पुरानी यूनिवर्सिटियां ने, एवोल्यूशन है ये। जो जो हायर एजुकेशन है ना ये कभी भी 180 डिग्रीज मूव नहीं करता, ये 5-7 डिग्री मूव करता दिहाड़ी एक साल के। सो एक ग्रैजुअल प्रोग्रेशन है, हूँ साड़ी प्रोग्रेशन हो गई, एक लैवल पर पहुँच गया, हूँ असं इंटरनेशनल लैवल पर पहुँचने की कोशिश करनी है। हूँ साडा आर एम इज़ नॉट टू स्टे एट नैशनल नैशनल लैवल, वी हैव रीच्ड अ लैवल, नाउ वी वॉन्ट टू गो टू इंटरनेशनल लैवल। हूँ ग्रैजुअली एक टाइम आएगा दैन दिस विल बी वन ऑफ द प्रीमियर यूनिवर्सिटीज। देखो गल बाकी सपोर्ट मिलनी चाहिए है, मैं तुहानू मैं सरकार दी सर किन्नी सपोर्ट है क्योंकि सीएम साहब ने भी ट्वीट किया है ते किस तरह समझ दे। देखो मैं दोनों मेरे मंत्री साहब ने भी थेर साहब ने गुरमीत सिंह मैं इन्ने डीसेंट आदमी ने कि तुसी कभी भी रिक्वेस्ट की उन्हें कभी ना नहीं की, कभी भी ना नहीं की। मान साहब ना घट वाह पिया पर मान साहब ना भी जिन्ना वाह पिया ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस, मतलब कभी उन्होंने ना नहीं किसी गलते की, जिन्हें भी मैं 2-3 कम कहे सके उन्होंने हाँ की कि वेखांगे ग्रेजुअली ओवर टाइम जो पैसा होएगा। सरकार की एक मजबूरी है जी, मैं दसदा दिल्ली भी सीगा मैं UGC आई वॉज लुकिंग आफ्टर फंडस, सरकार के फंड लिमिटेड होंगे, कभी अनलिमिटेड फंडस नहीं होंगे। जो सोचो कि तुम मतलब मैं अज 500 करोड़ मंग लवा तो मैं 2000 करोड़ मंग ला मिल नहीं मिल सकता, क्यों उन्होंने बड़े बड़े महकमे देखने होंगे है, बड़ा कुछ वेखना होंगे। तो अपने आप में भी किसी तरीके ने इदा बना चाहिए कि तुम उन्होंने लाइबिलिटी ऑन सरकार किन्नी घट तो घट दे सकी है, किन्नी घट ये नहीं है कि तुम मतलब फेल हो जाओ कर लो यूनिवर्सिटी पर पैसे मंगन लग पाओ, ये तरीका नहीं है। सो तुम अपने बेस्ट तरीके ने चलाओ, जो डिफिसिट फंडिंग है ना डिफिसिट फंडिंग वो सरकार दे, मतलब तुम अपने कोशिश करो कि जिदा मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिना कि साढ़े हूँ तो अभी बंद कर दिता, सानू हाई कोर्ट ने कहा कि एक स्टूडेंट जोड़ा है 25,000 रुपया सपोजिंग देगा तो तुम लेट फी एक डेट से बाद देगा 25,000 देकर जमा कराएगा। मेरा अपना रिश्तेदार से बड़ा क्लोज पिया, मैं जेब चो 25,000 दिता पर यह नहीं कि मैं उन्होंने माफ़ किया, माफ़ नहीं करना, माफ़ हर पासे रूल एक रखो, जो रूल तुम वेरी करोगे ना सज्जे खब्बे करोगे दैन एवरीथिंग फेल, सिस्टम फेल ही तो होंगे, सिस्टम उदो नहीं फेल तो होंगे एक तरीके जो एक अख ना हर एक वेखो दैट इज़ द सिस्टम चलता है। हूँ आज यूनिवर्सिटियाँ हौली हौली ग्रैजुअली अपन हौली हौली करके जिदा वी हैव टू गो टूवर्ड्स द वैसटर्न सिस्टम, वाई आर प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्लरिशिंग, कोई सरकार इन्ने को देखो पैसा नहीं है कि सरकार थोड़ियाँ इनिया यूनिवर्सिटियाँ खोल दे इन्ना कुछ खोल दे, अगे बथेरिया खुलियां हुई हैं उन्होंने मेनटेन करना ही बड़ा मुश्किल आ रहा है। हूँ साड़ी फंडिंग जी बहुत मिनिमल है, वी आर गेटिंग 1/4 और 1/5 ऑफ वट अदर यूनिवर्सिटी गेटिंग, 1/10 ऑफ वट वट पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ गेटिंग, बट स्टिल नंबर ऑफ स्टूडेंट साढ़े कैंपस सेम ही है, जो उन्होंने फर्क किन्ना होगा 100-200 का फर्क, पर साढ़े साड़ी मैनेजमेंट बैटर, असी 7th pay क्वेश्चन भी दे दी सरकार ने, जब अनाउंस किया अगले दिन 7th pay क्वेश्चन, बाकी यूनिवर्सिटी वाले सोचने देनी कि नहीं देनी।
ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਐਫਰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਥ ਆਫ ਲੀਸਟ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਇਨ ਦਿਸ, ਨੋਟ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਥ ਆਫ ਲੀਸਟ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਬੰਦਾ ਦੇਖੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਦੈਨ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇ ਚੱਲੋਗੇ ਐਂਡ ਪਾਥ ਆਫ ਲੀਸਟ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ? ਇਹ ਸਰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਮੈਨਰ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਿਕਲੇ ਐਂਡ ਠੀਕ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ 0.25 ਦੇ ਨਾਲ, 0.25 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ, 0.25 ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਬੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੋਟਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ, ਯਾਪੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਟੀਚਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੈਂਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਲਸੋ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਯੂਥ ਵੇ ਸਪੋਰਟਸ, ਮਿਆਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋ। ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਸਿੱਖਦਾ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਂਸ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਂਸ ਕਿ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਚਲਰ ਹੋਇੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਖਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਲ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਆਲ ਬੋਆਏ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣਗੇ ਗਰਲਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਿੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਂਟ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੈਪਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲੈਪ ਐਂਡ ਹਗਡ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਗੇਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, 100% ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਬੈਚਲਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ, ਮਾਸਟਰਸ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਏਮ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਚਲਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਦੈਟ ਫੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇਜ਼। ਦੇਖਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿ
ਭਲਵਾਨੀ ਖਿਡਾ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਗ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਵੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹੋਲ ਕੈਂਪਸ ਵਾਕਿੰਗ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਸਰ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਵੀ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੰਗਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਫੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਬਲੀਗੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋਹਿਸਿਵ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹਾ ਆਈ ਕੀਪ ਕੀਪ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵੈਰੀ ਕੂਲ ਇਹ ਟੀਮ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟੀਮ ਸੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਆਈ ਨੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਸੇ ਹੈ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਆਸਕਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਇਤਨੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੇਮ ਅਲਿਊਮਨੀ ਹੁਣ ਅਲਿਊਮਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਲਿਊਮਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਲਿਊਮਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 15-20 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 150 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਐਂਡ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਪਰਮਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਕੇਮ ਐਂਡ ਸੈਡ ਕਿ ਅੱਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਸਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਰ ਹੁੰਦੇ 7 ਹੁੰਦੇ ਬਟ 7 ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪੇਟੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੇਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਡ ਜਸਟ 2-3 ਪੇਟੈਂਟਸ ਡੇ ਆਈ ਜੁਆਇੰਟ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 23 ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20-21 ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵਰ ਯੂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਫੋਰ ਲਾਸਟ 50 ਈਅਰਸ ਵੇਅਰ ਵਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2-3 ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਿਸਰਚਸ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ++3.85 ਹੈ ਆਕੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ